वेलकम टू डेली न्यूज 24। ये लुडारिया का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर फतेह को होने वाला है अपनी गलती का एहसास। जी हाँ, सो का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि फतेह के सामने तेजू का सारा सच आ गया है। यहाँ पर फतेह को ये पता चल गया है कि जो भी कुछ था वो एक गलत फहमी थी। तेजू और बूजू के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं था, बल्कि तेजू तो उसी की बहन की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी, उसी की बहन का साथ देने की कोशिश कर रही थी। इसलिए यहाँ पर फतेह को अपनी गलती का काफी बड़ा पछतावा होता है। यहाँ पर फतेह काफी ज्यादा पछताता है कि उसने तेजू पर शक किया, उसने इतनी बड़ी गलती की। इसलिए यहाँ पर फतेह तेजू से माफी भी मांगता है, लेकिन यहाँ पर तेजू का फैसला नहीं बदलता है। यहाँ पर तेजू फतेह के पास वापस आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन परिवार वालों के कहने पर तेजू मेहमान के सामने फतेह की बीवी बनकर आने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए यहाँ पर फतेह तेजू को थैंक यू बोलता है, लेकिन यह जैस्मिन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। जैस्मिन फतेह से बोल देती है कि उसकी पत्नी वो है, तो वो तेजू के पास क्यों आया है, और अब वैसे भी वक्त आ चुका है सभी को ये बताने का कि उसकी पत्नी कोई और नहीं बल्कि वो ही है। और यहाँ पर जैस्मिन की बात सुनकर तेजू और फतेह दोनों के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर जैस्मिन तेजू के सामने से ही फतेह को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है, क्या यहाँ पर अब फतेह जैस्मिन का साथ छोड़ने वाला है, क्या यहाँ पर अब फतेह तेजू के पास वापस लौटने वाला है। देखना दिलचस्प होगा। इसलिए लुड़ारिया जुड़ा, इसलिए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।